राइनोरिया शुरू होता है, नेजल सिक्रेशन शुरू हो जाता है, या बहुत जल्दी एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, तो उसमें ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि किसी को डिप्रेशन है या टेंशन ज़्यादा होती है, तो उसमें माइंड रिलैक्स करने का ही काम करता है। तो आप हमारे यहाँ ये हमें अनुतेल जो हमारा आता है, ये आप डेली यूज कीजिए। अभी जैसा कि बताया था कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोविड के टाइम में अनुतेल ने बहुत हेल्प की है। अनुतेल की जगह कोई भी तेल, जैसे घर पे तिल तेल होता है या घी होता है, जिनकी प्रकृति पैतिक है या जिनकी गर्म तासीर है, वो घी से घी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुतेल को यदि आप दो दो बूंद नाक में डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे नोस्ट्रिल्स के बीच में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ड्राई नहीं होती है, उसमें हमेशा मॉइस्चर रहेगा। तो बाहर से कोई भी डस्ट पार्टिकल आते हैं या वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो वो अंदर जाएंगे ही, तो इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होता है। कोविड में भी हमने यही किया कि जो लोग रेगुलर ड्रॉपिंग कर रहे थे इसकी, उनको जो है कोविड का इन्फेक्शन बहुत लेट हुआ या माइल्ड इन्फेक्शन होके रह गया, तो इसने कोविड से बचाव के लिए इसमें ये बहुत ही उपयोगी हमें रहा। और यदि हम लोग डेली इसको यूज करते हैं, तो जिनको अवसाद की प्रॉब्लम या डिप्रेशन की प्रॉब्लम, उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल है। साथ में जो भी बीमारियां नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो आपको जा रही है, उससे भी आपको हेल्पफुल रहेगा। किसी को होता है नेजल एपिडेक्सिस बोलते हैं उसको, नासागत रक्त पित्त बोलते हैं उसको, उसमें भी आप यदि डेली बच्चे को, क्योंकि आप ड्रॉपिंग डालेंगे तो बच्चा इरिटेट करे, तो आप इसे हेड में लेकर ऐसे इसको रख कीजिए और नाक में इसकी कंपनी बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत छोटा बच्चा हो तो आप उसको सिर्फ जैसे कॉटन में लगाकर उसे नेजल में इसकी कंपनी बना के, अगर तीन बार लगाइए, चार बार लगाइए, पांच बार लगाइए, तो जो ड्राई होने की वजह से जो प्रेशर पड़ता है कैपिलरीज पे, और वो जब रप्चर हो जाती है उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, वो नहीं होगी या होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। साथ में आपको बच्चे को ये भी देखना है कि वो उसका मतलब फूड हैबिट्स क्या है, नेजल एपिडेक्सिस को हो रही है तो किस वजह से हो रही है, क्या बच्चे की तासीर गर्म है, क्या आप उसे गर्म चीजें दे रहे हैं। आप उसकी टंग देखिए, यदि टंग उसकी रेड है, आगे से भी आप देखते उसकी टंग रेड है, जैसे में उसको गर्मी हुई है, तो आप उसको ठंडी चीजों का सेवन करवाइए। यदि उसको हो रहा है तो पीछे सिर पे ठंडा पानी डालिए, पीछे उसको पीछे है पीछे करके रखिए, इससे उसको क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। या जो प्याज होता है, प्याज का बिरस निकाल के आप नाक में डालेंगे तो उससे ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी उसी समय। मैम वो तो रुक जाने के नहीं, आप डेली करेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कितना बड़ा बच्चा है? Now he is 18. 18 years.